ये है समोसा मशीन। सबसे पहले हम समोसा मशीन की आपको पूरी जानकारी देंगे, तो ये सबसे पहले उसका डाई है जहाँ से समोसा बनेगा, ये उसका डाई वाला पार्ट है, पूरा डाई है। इसमें सूखा आटा आता है, इसमें डालते हैं टूटा हुआ आटा, और ये मसाले के लिए, मसाले का ऊपर। अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये मसाले का जो समोसा का डाई है उसको साइड में ले लेंगे, तो पूरा साइड में ले लिया है। अभी ये साथ में आता है दो की एक छोटा बड़ा, तो सबसे पहले ये वाला बोल्ट को पूरा टाइट रखना, पीछे वाला बोल्ट को एकदम पूरा टाइट कर देना, जरा भी लूज है तो टाइट कर देना। उसके बाद ये वाला दूसरा वाला, ये वाला पार्ट को भी पूरी तरह से टाइट कर देना, ढीला है तो। और ये वाला बोल्ट आपको जो समोसा का ऊपर का लेयर है वो पतला मोटा करने के लिए काम आता है। इसको आप ओपन करोगे तो समोसा का जो लेयर है यहाँ से निकलता है वो मोटा होगा। अगर टूट रहा है तो इसको ओपन करना है, खोलना है, और ज़्यादा बड़ा हो गया है इसको तो टाइट करना है, तो ऊपर का लेयर पतला होगा। उसके बाद वापस जैसे डाई था वैसे कर देना है, और यहाँ पे गूथा हुआ आटा डालना है। अगर समोसा का आपको लेयर बड़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ से ये वाला चक्कर से आप उसको, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल और बिग, समोसा का साइज आप हल्का छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला चक्कर है, यहाँ से आप समोसा का साइज हल्का छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हम अगर खोल देंगे इसको तो छोटा होगा, अगर पूरा ऐसे चिपका देंगे तो साइज हल्का बढ़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हल्का प्लस माइनस होता है इसके लिए। और ये वाला जो दिया है, ये वाला अगर इस साइड रखेंगे तो मसाले का अंदर का वरम घूमेगा, अगर इस साइड कर देते हैं तो मसाले का वरम घूमना बंद कर देता है। तो जब ये मशीन बंद करके इस साइड रखना है ताकि मसाला चारों शुरू हो जाए। अब मैं इसको कैसे ओपन करना है, ओपन की पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये डाई को साइड में कर देना है, डाई को साइड में करके सबसे पहले ये आगे वाला को हमें खोल देना है। आगे वाला खोल दिया, उसके बाद ये नेक्स्ट दूसरा वाला सर्कल को भी खोल देंगे, ये खोल दिया, इसके अंदर ये पार्ट होता है, इसको भी सब निकल जाएगा। उसके बाद ये भी निकाल दिया। अभी ये वाला पार्ट को हम खोलेंगे इससे, ये खोल दिया, ये भी सब निकल जाएगा, पूरा ये निकल गया। अब अंदर का वरम को भी हाथ से खींच के निकाल लेना, ये खुल गया। उसके बाद ये पाइप होता है, पाइप को ऐसे हल्का सा घुमा के खींच लेना है बस, तो ये पाइप भी निकल गया। ये पीछे की आगे का पूरा निकल गया है। अब पीछे का जो होपर है वो कैसे खुलता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले बीच वाला वरम को निकाल लेना है, वरम को निकाल के हम साइड में रख देंगे। उसके बाद जो होपर है, होपर का राउंड घुमा के ऐसे निकाल देंगे, राउंड घुमा के निकाल देंगे। उसके बाद ये जो बीच वाला दिया है वो प्लेट निकाल लेंगे, तो प्लेट निकल गया है हमारा। उसके बाद ये पूरा स्क्रू निकाल लेंगे, फिर अंदर की पत्तियाँ भी निकल जाएगी। अभी इसको खोलने के लिए साइड वाला हैंडल को पूरा खोलना है, साइड वाला हैंडल पूरा खोल दिया है हमने, अभी बीच वाला पार्ट को निकाल लेंगे। अभी ये पूरा टाइट होता है, तो इसको खोलने के लिए हम साथ में आपको एक की देते हैं, की को ऐसे लगाना है और ऐसे यहाँ से खोल देना है, ये खुल गया है। अभी आप इसको ऐसे खोल सकते हो, फिर इसको घुमा के यहाँ पे पॉइंट होता है, पॉइंट से आपको निकाल लेना, ये खुल गया है। उसके बाद ये प्लेट भी आपको निकाल लेनी है, ये पूरा बोल्ट ऐसे खुल जाएगा, प्लेट खोल के ये निकाल लेना है, ये पूरा खुल गया है। अब इसको वापस फिट करने के लिए कैसे फिट होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये रोड, ये वाला पार्ट अंदर जाने देना है, इसमें सेंटर में, और इतना बाहर आए वैसे रख देना है। उसके बाद हम ये वरम लगाएंगे, वरम में की होता है और इसमें भी एक की का पॉइंट दिया गया है, तो की उसमें आए उस तरह से आपको अंदर रखना है। ये हमारा वरम फिट हो गया, वरम फिट हो जाने के बाद ये वाला पार्ट लगेगा, इसमें भी एक बोल्ट का दिया है तो एकदम सेंटर में नीचे वो लगेगा, ये लग गया। उसके बाद सबसे बड़ा रिंग, तो ये वाला लगेगा,
ये लगा देना है, उसके बाद आपका लगेगा ये वाला पार्ट, ये लग गया। उसके बाद जिसमें आटा दिया है वो वाला पार्ट लगाना है। उसके बाद ये छोटा सा पार्ट है वो अंदर आ जाएगा, फिर ये वाला बोल्ट को लगा देना है। ये लग जाने के बाद आपको यहाँ पे पीछे आ जाना है, पीछे सबसे पहले जो बड़ा वाला रिंग निकाला है वो लगाएंगे, उसको सिर्फ हल्का सा ही लगाना है, थोड़ा सा ही लगा दो। ऐसे लगाना है दो पॉइंट, ये वाला पार्ट देख लेना ये ऊपर रहना चाहिए, दो पॉइंट इतना सा ही लगाना है, दो दो आटा जितने लगा दो, फिर ये व्हाइट वाला प्लेट इसके ऊपर रख देना है, ऐसे रख देना है। अभी प्लेट रख दिया है, उसके बाद ये वाला बोल्ट लगेगा इसके ऊपर, ये खाँचा है, ये पॉइंट में दोनों खाँचा बिठा के रख देना है। अभी देखो ये वाले को घुमा, जैसे फिट हो जाए उसके बाद नीचे वाला बोल्ट को टाइट करना है, एक हाथ से इसको पकड़ के रखना है, दूसरे हाथ से टाइट करना है, बीच वाला पार्ट एकदम सेंटर में आए वहाँ तक घुमाना है। अभी देखो ये पाइप हमारा सेंटर में आ गया है, एकदम खींच आए उतना ले लेना है, फिर ऐसे पाइप को खींच लेना है, खींचने से नहीं आ रहा तो आगे से धक्का लगाओ अंदर घुस जाएगा, पाइप चला गया है उसको घुमा दो, ये घूम गया। अभी ये बोल अभी भी लूज है तो क्या करना है, बोल को ऐसे ऊपर की तरफ उठा के टाइट करना है, और टाइट करना है, एकदम टाइट कर देना। अभी घूमना हाथ से बंद हो जाए, उसके बाद ये बड़ा वाला की लेके यहाँ पे पॉइंट में देके आ गया है, वहाँ से पॉइंट में लगा के ऐसे पूरा टाइट कर देना है, ये पूरा टाइट करना है, यहाँ पे देख लेना है जरा सी भी जगह रहनी नहीं, जो पूरा चिपक जाना चाहिए, ये एकदम कंप्लीट फिट हो गया है। ये हो जाने के बाद हमारा ये वाला पार्ट लगेगा, जहाँ साइड में बोल्ट दिया है फिट करने के लिए, तो ये वाला पार्ट ये ऊपर रहेगा, ऐसे रख देना है एकदम ईजी आ गया। उसके बाद ये साइड में लगा देना है, यहाँ पे इस तरह से ये बोल फिट हो जाएगा, ये अपना बोल फिट हो गया है। उसके बाद ये वाला पार्ट में दो पट्टी लगानी है, पहली वाली पट्टी इसे सही डालनी है उल्टा करके, फिर ऊपर वाली उल्टी डालनी है, ये हो गया। फिर इसको पकड़ के इसमें अंदर रख देना है, एकदम ईजी है, इसमें पूरा एकदम फिट हो जाना चाहिए, ऐसे एकदम फिट हो जाना चाहिए। उसके बाद ये वाला प्लेट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद फिर ये अपना होपर लग जाएगा, ऐसे होपर लगा देना है, और ये उसके बाद लास्ट में वर्म लगना है, तो ये मशीन अपना एकदम कंप्लीट फिट हो गया है। और इधर से साइड में से ये वाला आपको दिख रहा है बिग और स्मॉल, तो मसाला कम ज़्यादा करने के लिए ये दिया गया है, आप बिग में रखोगे तो ज़्यादा मसाला जाएगा, तो थोड़ा कम जाने देना है, जिसको कम करके वहाँ पे टाइट कर देना है, एकदम ईजी है, बस ऐसे ही। अब आप प्लग इन करके मशीन चालू कर सकते हो, ऐसे कंप्लीट हो गया है, अब आप मशीन को चालू कर सकते हो।